दीदी अब गुस्सा थूक दीजिए, देखिए ना जैसा आप चाहते थे गुड्डन वैसा ही तो कर रही है। उसने भी आपकी सख्ती वाली सोच अपना ली है, अब आप भी उसको अपना लो ना दीदी, भूल जाइए ना पिछली बातों को। सिर्फ सख्त हो जाने से वो एक काबिल सास नहीं बन जाती भाभी, अकल नाम की भी कोई चीज होती है, और जब सास में ही अकल की कमी हो तो बहुओं से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। रिश्तों की इज्जत करने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती बुआ जी। माना कि हम में अकल की थोड़ी कमी रह गई बुआ जी, पर सास है हम इस घर की, और सास होने के नाते इतनी अकल तो है हम कि रिश्तों की मर्यादा रखी जाए। आप तो समझदार है ना बुआ जी, तो फिर चलिए एक बात बताइए, रिश्ते में भाभी का रिश्ता बड़ा होता है कि ननंद का? भाभी का ना बुआ जी, तो क्या एक ननंद को अपनी भाभी को वो इज्जत नहीं देनी चाहिए जिसकी वो हकदार है? एक मिनट दादी, दुर्गा दी देख रही हैं आप, जब से ये गुड्डन वापस आई है तब से नहले पे दला मार रही है, आप कुछ बोलती हो नहीं? दादी आपसे रिश्ते में और उम्र में दोनों में बड़ी है बुआ जी, पर फिर भी देखिए प्यार और इज्जत की खातिर आपके लिए जूस लिए खड़ी है, पर ये काम तो आपका है ना बुआ जी? दीजिए दादी। बुआ जी सा शैतान को न्योता देता है बुआ जी, और हम तो आप ही के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं ना, और अब आप ही ये रिश्तों की मर्यादा को ठुकरा कर उनकी इज्जत ना कर कर यूं गुस्सा करेंगी तो फिर दुर्गा जी और सरू बहू पर क्या असर पड़ेगा? ये दोनों क्या सोचेंगी कि जिसने इन्हें सिखाया पढ़ाया एक अच्छी बहू बनने के काबिल बनाया वो खुदा जिन रास्तों से भटक रही हैं? ये तो गलत हो जाएगा बुआ जी। भाभी लीजिए, इसे आप पीजिए। भाभी लीजिए। सही कहा है आपकी बहू ने भाभी, आखिर है तो हम औहदे में आपसे छोटे ही, मगर आपका बड़प्पन है ये, हमारे इस रिश्ते में आपने हमें सास का दर्जा दिया, अपने सर पे बिठाया। दीदी भूल चूक माफ, बेटा क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? जरूरत थी दादी, जितना मुश्किल आपके लिए है ना दादी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हमारे लिए ये सब करना, पर बुआ जी को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है दादी कि उनकी सख्ती की बुनियाद पर बने रिश्ते आज नहीं तो कल कमजोर पड़ ही जाएंगे। जब तक वो अपनी सोच से नफरत नहीं करने लग जाएंगी ना दादी, तब तक उन्हें हमारी दोस्ती के तरीके अच्छे नहीं लगेंगे। वो हमारी दोस्ती वाली सोच को अपनाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी सख्ती वाली सोच को भूल जाए, और हम वही कर रहे हैं दादी, उन्हीं के तरीकों से उन्हीं की सोच का सामना कर रहे हैं। पर सासू माँ जितने गुस्से में वो गई है ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
मतलब आपने उनका सामना सख्ती से करवा तो दिया है, लेकिन इससे बात बनने की जगह कहीं और बिगड़ नहीं जाए। गुड्डन, हमारे नियम कानून हमें सिखा गई, समझती क्या है खुद को? बुआ जी, गुड्डन नहीं, कड़क सास गुड्डन कहिए उसको। उसने आपकी सीख को ना बहुत गंभीरता से ले लिया है, अब तो हम लोग का वो जीना दुश्वार कर देगी। ये सब आपकी सख्ती की वजह से नहीं हुआ है। हे भगवान, उस गुड्डन का हम करे भी तो क्या करे, एजे तो हमेशा उसके समर्थन में ही खड़े रहते हैं। वही तो बुआ जी, इस गुड्डन नाम की बीमारी के लिए जल्द से जल्द कोई दवाई ढूंढनी पड़ेगी हमें। तू तो अपना दिमाग चला ही मत, बहुत कांड कर चुकी हो तू। ना ही तुम तुम्हारी सास पे हाथ उठाने की कोशिश करती और ना ही उसे माफी मांगने की नौबत आती। तुमने ही मौका दिया है उसे तुमसे बदला लेने का। अब तुम दोनों अपने दिमाग का दरवाजा बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। पर बुआ जी, वो गुड्डन हमें चुप। एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम दोनों, अगर तुमने फिर से उस गुड्डन को हम पे उंगली उठाने का मौका दिया तो देख लेंगे। ये सख्ती की सोच हमने ही उसे दी है और उसे कई ज्यादा सख्त तो हम हो सकते हैं। तो अब जैसा तुम्हारी सास कहती है वैसे करते जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। गीदड़ अगर शेर की खाल पहन लेता है तो शेर नहीं बन जाता, गीदड़ ही रह जाता है और गीदड़ को मसला जाता है, उसे दोस्ती नहीं की जाती। आज पहले दिन कैसे लेट हो सकता हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा, सब काम खराब हो गया। बाप रे, गुड्डन तुम भी ना। बाप रे, आज लेट हो गई तो गुड्डन सासू माँ बैंड बजा देंगी। मैं ऑफिस जा रहा हूं, चले। शुरुआत तो ठीक हो गई, चल अब बन के दिखा दे सबको कड़क सास गुड्डन। जितना टोटल हो गया क्या करूं। मसाला, हे भगवान, इस गुड्डन ने तो 1760 बूंदे निकाल दी पसीने के। क्या है लक्ष्मी जी? अरे बहन, क्या हो गया? आज तेरा गणित लड़खड़ा गया,
अब कोई बात नहीं, अच्छे से काम कर। देख, अगर सासू माँ देख लेंगे ना तो तुझे 1760 डंडे मारेंगे, है ना? अच्छे से काम कर। मुझे काम करने दीजिए। दुर्गा दीप, जल्दी कीजिए, सासू माँ को जल्दी काम पसंद है। लक्ष्मी बहू, क्या रिपोर्ट है हमारी बहुओं की अब तक की? आज का हिसाब किताब आप चेक कर लीजिए। एक मिनट, ये क्या करने जा रहे थे आप दोनों? सास के बराबर में बैठते हुए आपको शर्म नहीं आती है? हम उम्मीद करते हैं बुआ जी ने ये सीख तो जरूर दी होगी कि अपनी सास के बराबर में नहीं बैठा जाता। पर हो सकता है थोड़ी सख्ती में कमी रह गई होगी, है ना? कोई बात नहीं, बाकी का बचा हुआ काम हम पूरा कर देते हैं। चलिए वहां जमीन पर जाकर बैठे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि हम क्या कह रहे हैं? जाइए। दुर्गा बहू, सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही बहू का फर्ज नहीं होता। खाना उतना ही बनाना चाहिए जितना कि आदमी खा सके। अभी जो बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे पर मैं फेल। सरू बहू, सारा दिन पैसा 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 करती रहती है ना आप। पैसे की असली कद्र है आपको? सिर्फ ये हिसाब किताब लिख कर लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। पैसा सही जगह पर और सही तरीके से खर्च हो ये भी आप ही को देखना था, जो कि आप पूरा नहीं कर पाए। आप भी फेल। अब क्योंकि आप दोनों ही अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई तो आप दोनों को सजा मिलेगी, क्योंकि हमने वादा किया था कि गलती करने वाले को सजा मिलेगी। और हम जो एक बार वादा कर देते हैं ना, उसे फिर पूरी सख्ती के साथ निभाते हैं, जो कि शायद अभी तक आप दोनों सीख नहीं पाई। तो चलिए तैयार हो जाइए असली सख्ती सीखने के लिए। तो इस महीने में घर के राशन में जितने भी आटे का इस्तेमाल होगा उसे आप दोनों पीसेंगी। हाँ? और उसके लिए आपको कोई भी मशीन नहीं दी जाएगी और ना ही किसी की भी मदद मिलेगी सिवाय अपने इन हाथों के।
तो तैयार हो जाइए पूरे 10 किलो गेहूं को आटा बनाने के लिए। 10 किलो? चलिए शुरू हो जाइए। आप दोनों के पास 6 बजे तक का समय है। 6 बजे तक ये दोनों गेहूं की बोरियां आपको पीसनी है, मतलब बोरियों के अंदर रखी गेहूं पीसनी है। अब घर का आटा इस्तेमाल होगा तो बचत होगी, और बचत होगी तो उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी जो आप दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। इतने कम समय में हम 2 बोरी गेहूं कैसे पीसेंगे? ये हमने पहले कभी। 1 मिनट, गेहूं नहीं पीस सकते हैं आप, पर बहस जरूर कर सकती हैं। वो जी कैसी सीख दी आपने इन्हें? इन्हें इतना भी नहीं पता है कि सास के आदेश का सिर्फ पालन किया जाता है, उनके साथ बहस करके समय बर्बाद नहीं किया जाता। वैसे भी इतनी बहस करके आप बुआ जी की आधी नाक तो कटवाई चुकी हैं। ऐसे ना हो कि समय पर काम पूरा ना हो और बुआ जी की पूरी नाक ही आप। लक्ष्मी बहू, अब जी आप हर घंटे में हमें रिपोर्ट देंगी कि दुर्गा जी और सरू जी अपना काम पूरी तरह और ईमानदारी से कर रही हैं या नहीं। जी ससुमा। पता नहीं इस लैपटॉप में सारा दिन क्या आंखें गड़ाई देखते रहते हैं। कितनी स्ट्रगल कर रहे हूँ। तो ठीक हो? अच्छा एक बात बताओ, जब खुद से अकेले हो नहीं पाता है तो अपने दोस्त से मदद तो मांग सकती हो ना। एक मिनट, आपको क्या लगता है ये सब काम हम नहीं कर सकते हैं? आपसे भी ऊंची हाइट के, ये ऊंची हाइट के टेंट लगाया हमने। हाँ आपको पता भी है, हमारी कॉलोनी में जब वो माता के जगराते वाले आते थे ना, तो उस टाइम पर जो टेंट लगाने वाले आते थे ना, उनसे भी जो टेंट नहीं लगते थे उसके लिए हमें बुलाया जाता था, हमारी मदद ली जाती थी गुड्डन की। और आपको आपको क्या पड़ी है? आपको तो फिक्र ही नहीं है हमारी। ये सारा दिन इस लैपटॉप में पता नहीं क्या देखते रहते। अगर आपको इतना ही पसंद था लैपटॉप तो आप इसी से शादी कर लेते ना हमसे, क्योंकि हम ही अपने घर का सारा काम छोड़ के ये टेंट लगाने में लगे हुए तब से। उसी को भूल गया। अच्छा तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना बिजी क्यों हूँ? कम I'll show you, उसके बाद तुम अपने आप ही समझ जाओ। Watch this. ये क्या? ये हमारे घर के पीछे की एक गली की दुकान की सीसीटीवी फुटेज है। गुड्डन, तुम्हारी बेगुनाही और दुर्गा बहू का अपराधी, ये दोनों सच्चाइयां हमारे सामने यही फुटेज लेकर आएगी।
हो ना हो, हमें क्लू इसी में मिलेगा। आपको सच में हमारी इतनी फिक्र है? ये क्या, एक मिनट रोकिए ना, ये सब